द क्वेश्चन इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, उसकी इक्वेशन हमें गिवन है और पोजीशन और जीरो है जब टाइम की वैल्यू जीरो है। तो आपसे पूछा है कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जब टाइम की वैल्यू वन हो जाएगा। देखो स्पीड, सॉरी, जो वेलोसिटी होती है वो होती है डी आर अपॉन डी टी, आर डिस्प्लेसमेंट होता है, आप डी एक्स अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं। तो वी इंटू डी टी या डी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी इंटू में डी टी। तो इसका मतलब ये हो कि टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो यहाँ तो नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा आर, और ये वी डी टी करना होगा, यानी कि स्पीड जो वेलोसिटी है उसकी उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो वी कैन राइट वी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी का स्क्वायर। एफ यहाँ पर कोई कॉन्स्टेंट हो सकता है, डी टी। अब देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, तो एक्स से भी डिनोट आप इसको कर सकते हो। लेट आर की वैल्यू जीरो है और वो एक्स तक जा रही है, तो हम इसको लिमिट में लिख देंगे जीरो से एक्स, और टाइम की लिमिट कितनी जा रही है, जीरो से वन। अब इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे अगर आपको मान लो टी की पावर एन का इंटीग्रेशन करना है तो इसकी फॉर्मूला होता है टी की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, यानी कि एक पावर बढ़ा करके जो पावर हुई एन प्लस वन वही नीचे भी आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले वी नॉट का इंटीग्रेशन करेंगे तो वी नॉट टी आएगा प्लस जी टी का इंटीग्रेशन डी टी के रेस्पेक्ट में आएगा टी का स्क्वायर प्लस, फिर टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो पावर हो जाएगी थ्री अपॉन में थ्री। अब लिमिट लगा दो जीरो से वन, यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स माइनस जीरो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है, तो आर की जगह पर एक्स माइनस आर की जगह पर जीरो। फिर यहाँ पर जब आप टी की जगह पर वन रखेंगे तो ये हो जाएगा वी नॉट प्लस जी प्लस एफ अपॉन में थ्री, माइनस माइनस करेंगे लोअर लिमिट, तो क्योंकि जीरो आ रहा है यहाँ पर और सभी में यहाँ पर टी है, तो टी की वैल्यू जीरो पुट करने पे ये सारे टर्म जीरो हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी इक्वेशन आ जाएगी वी नॉट जी, यहाँ पर टी था ना, टी का स्क्वायर अपॉन टू भी आएगा एक्चुअली, तो टी अपॉन टू जी अपॉन टू प्लस में एफ अपॉन में थ्री। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जैसे जो भी पावर होगी वही नीचे भी आएगा, तो टी स्क्वायर अपॉन टू टी की क्यूब अपॉन में थ्री।